तो पार्ट टू में हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना होता है और किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लॉथ को इसको अलग कर दिया है, अपर क्लॉथ को यहाँ पे ऐसे, और आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो पर्टिकुलर पार्ट पे काम करना का है वो जस्ट उसी पर्टिकुलर पार्ट को जो जो हम लोग को रिक्वायर्ड है उतना ही एरिया पूरा लेके, जैसे कि अभी अपर एरियाज हैं तो ये पूरा का पूरा अपर एरिया लेके आप उसका डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हो, या तो जस्ट खाली स्किन और ये शर्ट को छोड़ सकते हो, और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे फेस को डिटैच कर सकते हैं। तो मेरा फाइल साइज और थोड़ा बचेगा बेसिकली, पूरा का पूरा अगर मैं ज्योमेट्री लेके जाऊंगा ये कंप्लीट मैश, थोड़ा फाइल हैवी हो सकता है, ठीक है। तो उसे बचने के लिए आप लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि सपोज मैं अभी यहाँ पे ये फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है ये पर्टिकुलर एरिया या उसके नीचे वाला एरिया, थोड़ा सा शर्ट ऑन करके देख ले, पूरा कवर हो रहा है, एक्स्ट्रा एरिया कहीं पे कुछ हट नहीं रहा है, यस सही है। तो नहीं, ये नहीं चलेगा, हम लोग को ये अपर मोस्ट ही लेना पड़ेगा, ये चेक कर लो आपका ये शर्ट ऑन करके कि कहीं पे कुछ कट नहीं रहा है, परफेक्टली आ रहा है, यस सही है। तो ये जो अपर एरिया है इसका, ये पूरा का पूरा हम लोगों को ये कंप्लीट फेस अपर एरिया का वो ले सकते हो। तो इसके लिए मुझे जाके पूरा अपर एरिया बैठ के पेंट करना पड़ेगा, कंप्लीट एरिया अंदर जाके और बाहर से पूरा कंप्लीट ये पेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूं मैं, इसी को जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूं, हम लोग का जो सिलेक्शन टूल है लैसो टूल, और जस्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया था और मैंने ऐड कर लिया है इसे, और चेक करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, कहीं पे देखो एक्स्ट्रा कुछ आया है और कहीं पे छूटा है, तो हम लोग अभी उसको हैंडल कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ और ओके, तो जो एक्स्ट्रा चीजें जो ऐड हुई है हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मैं रेगुलर मेरा ये पेंट ब्रश लेके भी कर सकता हूँ, बी और मिडिल माउस से हम लोग साइज कम ज़्यादा करेंगे उसका, और जस्ट कंट्रोल करके इसको डिसलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी देख रहे हो काम काफ़ी कम हो गया है अभी, अदरवाइज एक एक एरिया जाके माउथ का सिलेक्ट करना अंदर साइड का तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। तो ऐसे भी चलेगा, आपको जैसे जमता है आप लोग करो, बट मेक श्योर कि आपने ये कंप्लीट एक फेस सिलेक्ट कर लिया है आपका, ओके ये फेस को सिलेक्ट कर लो अच्छे से, और वंस इट इज डन आप सेटिस्फाइड हो, 4 प्रेस करके एक बार चेक कर लो वापस से घुमा के कि माउथ का ये सब एरियाज और ये सब सही से हो गया है, यस इट इज डन। और फ्यूचर के लिए भी आपको कुछ गलत नहीं हो तो इसका एक सेट बना के रख सकते हो, सेट बना के रखने के लिए फेसेस का यहाँ पे दिख रहा है सेट्स है, तो हम लोग फेसेस का भी एक सेट बना के रख सकते हैं। यू हैव टू गो टू क्रिएट सेट्स और क्विक सिलेक्शन सेट रेडी करोगे, और यहाँ पे मैं डालता हूँ अपर फेस, अपर फेस सुखी कर दे रहा हूँ, एक अपर फेस का भी एक सेट रेडी हो चुका है पूरा, जो हम लोग ने सिलेक्ट किया हुआ उसका पूरा कंप्लीट फेसेस का पूरा लिस्ट दे दे रहा है मुझे वो, ओके। तो गलती से सपोज मेरा डीसिलेक्ट भी हो गया ना, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोज मेरा गलती से डीसिलेक्ट हो गया या कुछ अलग प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो मेरे पास में सेट अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे जाके एडिट में और सिलेक्ट में देयर इज समथिंग कॉल्ड क्विक सिलेक्शन सेट, तो यहाँ पे मेरा वो अपर फेस रेडी है, तो यहाँ से मुझे जब भी चाहिए मैं सिलेक्ट करके रख सकता हूँ, तो आई डोंट हैव टू वरी। तो आप ऐसे अलग अलग सेट्स रेडी करके रख लो, जब भी आप लोग मॉडलिंग कर रहे हो तभी आपको रिगिंग में ये सब इश्यूज नहीं होंगे,
अभी आपको क्या करना है, इस फेस को अभी मुझे अलग करना है, डिटैच करना है, ओके तो और आपको इसकी हिस्ट्री को डिलीट नहीं करना है, उसी हिस्ट्री के साथ में हम लोगों को खेलना है। रिगिंग के लिए वो हिस्ट्री जरूरी है, तो मॉडलिंग सेक्शन के अगर अंदर में आऊँ और अगर मैश मुझे डिटैच करना है, अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसका दो चीज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसका डुप्लीकेट फेस ले सकता हूँ और एक्सट्रैक्ट करूंगा तो भी चलेगा, लेकिन पहले डुप्लीकेट फेस हम लोग लेंगे। यहाँ पे जस्ट एडिट मैच में जा रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा चेंजेस कुछ नहीं, जस्ट रिसेट करो सेटिंग्स को और जस्ट डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ, सिंपल। मेरा एक अलग से एक डुप्लीकेट फेस रेडी है और इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ अपर फेस, अपर फेस, ताकि हम लोग को उसको डिस्टिंग्विश करने में टाइम नहीं लगे। दिख रहा है आपका यहाँ पे ये वन आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपर फेस करके नाम दिया था, तो वो कभी भी नाम सेम नहीं लेगा। और अगर मैं ज्योमेट्री के अंदर जाऊँ यहाँ पे, तो मेरा जो फेस का जो ग्रुप है बॉडी के अंदर, उसी के अंदर उसने दिख रहा है कि मेरा स्किन का है और उसके अंदर उसने ये रख दिया है। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, इसके मिडल माउस का जिस बाहर कर ले रहा हूँ इसे, इसको हम लोग ऐसा ज्योमेट्री के अंदर ऐसा है तो मॉडल जियो में ऐसा रख सकता हूँ मैं, तो ज्योमेट्री ग्रुप बाहर भी रख सकते हैं इसको ऐसे, इसके लिए ताकि उसको इजीली मेरा सिलेक्ट हो सके वो पार्ट ऑब्जेक्ट मोड में। और ये जो मेरा स्किन है, स्किन को मैं अलग लेयर में ले लेता हूँ और ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये स्किन लेयर अलग हो चुका है। तो ये था मेरा सेकेंड पार्ट, जस्ट मेक श्योर कि ये सेकेंड पार्ट में हम लोग ने ये देखा कि जो पार्ट में आपको काम करना है उसको आप डिटैच करके अलग से रख लोगे। इसका यहाँ पे वैल्यू डिफॉल्ट है, ओके तो अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फेज में कैसे अलग अलग पार्ट्स को मैं भी डिवाइड करूंगा और उसका हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में।